साईं राम टीम साई पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साई भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। आप सबका साई पूजा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथ श्रवण कीजिए बाबा के 11 वचन विद देयर मीनिंग्स। तो आइए श्रवण करते हैं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। अर्थात पहले वचन में साईं अपने भक्तों को शिरडी आने के लिए कहते हैं और कहते हैं जो भी शिरडी में आएगा उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। अर्थात साईं के दूसरे वचन के अनुसार उनकी समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही या फिर उनकी समाधि के दर्शन मात्र से ही साईं भक्तों के दुख दूर हो जाएंगे। इसके लिए साईं के प्रति श्रद्धा और सबूरी का होना बहुत ही ज़रूरी है। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु मैं दौड़ा आऊंगा। अर्थात तीसरे वचन में साईं कहते हैं कि भले ही मैंने शरीर त्याग दिया पर अपने भक्तों की श्रद्धा भरी पुकार सुनकर मैं उसकी सहायता के लिए दौड़ा चला आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। अर्थात चौथे वचन में साईं कहते हैं कि मुश्किल में मेरे हर भक्त को दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना चाहिए कि उनकी हर परेशानी का हल उन्हें इस समाधि पर ज़रूर मिलेगा। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। अर्थात पांचवें वचन में साईं कहते हैं कि मेरा अस्तित्व सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि मैं हमेशा परमात्मा के अंश की तरह सदैव जीवित रहूँगा। अपने प्रेम और भक्ति की शक्ति से मेरे भक्त सत्य को पहचान सकते हैं। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। अर्थात छठवें वचन में साईं कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ मेरे पास आ जाता है उसकी हर इच्छा मैं पूरी करता हूँ। साईं अपने भक्तों से पूछते हैं कि मेरे दर पर आकर अगर कोई खाली हाथ गया है ऐसा अगर कोई शक हो तो मुझसे कहो। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अर्थात सातवें वचन में साईं कहते हैं साईं भाव का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से देखेगा मैं उसे वैसे ही नजर आऊँगा। मेरे भक्त जिस भाव से मेरी कामना करते हैं मैं उसी भाव से उनकी कामना पूर्ण करता हूँ। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। अर्थात साईं के आठवें वचन के अनुसार जो भी पूरी श्रद्धा रखते हुए साईं के प्रति पूर्णत समर्पित है उनका पूरा भार साईं खुद उठाते हैं और उनकी हर जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में उनकी मदद करते हैं। ये साईं वचन देते हैं जो कभी भी झूठा नहीं होगा। आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर। अर्थात साईं के नौवें वचन में श्रद्धा और प्रेम से जो भी साईं से कुछ भी मांगेंगे उसे साईं अवश्य पूरा करेंगे। मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। अर्थात साईं के दसवें वचन के अनुसार जो भक्त तन मन और वचन से मुझ में लीन होता है उसका मैं सदैव ही ऋणी रहूँगा और उसकी हर इच्छा व जिम्मेदारी मेरे लिए ऋण समान है।
धन्य धन्य व भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अर्थात साई के 11वें वचन के अनुसार वो भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से साई भक्ति में लीन है। वो सदैव ही साई को प्रिय है, अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से ईश्वर में लीन होते हैं उन पर भगवान की कृपा होती ही है। ओम साई राम, जय साई राम। ये थे साईं बाबा के 11 वचन। साईं बाबा कहते हैं कि जो इसे श्रद्धा भाव से अपने दैनिक जीवन में श्रवण करेगा उसके सम्मुख कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी और वह भव भव के चक्र को पार करने में सफल होगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम।